हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर में। तो आज मैं आपको बैग ब्लाउज डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। देख लीजिए, मैंने ब्लाउज की लेंथ देखिए 14 इंच रखी है। 3 इंच की हम गले की मार्किंग करेंगे। यहाँ से 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क करें, नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देते हैं। पहले हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से दोनों मार्क को बराबर कर देंगे। अब गले का डिज़ाइन का मार्क करेंगे, तो मैं देख लीजिए गले का लेंथ जो है 10 इंच रख रही हूँ। पहले 10 इंच पे हम मार्क कर देते हैं, इसको बराबर कर लेंगे। अब गले के लिए जो मैंने डिज़ाइन बना रही हूँ उसके लिए मुझे वी थोड़ा सा यू शेप में चाहिए, तो यहाँ से मैं मार्किंग करी हूँ 1 इंच का। अब इतने का हम यू शेप में बना देंगे। तो मैंने देखिए मार्किंग कर ली है 1 इंच का, हम साइड में मार्क करेंगे। तो बिल्कुल 1 इंच पे हम बराबर में पूरा मार्किंग कर लेते हैं। ये देख लीजिए मैंने मार्किंग कर ली है पूरी। अब इसको मैं बराबर कर देती हूँ। अब इसकी मुझे कटिंग करनी है, तो यहाँ से मैं डिज़ाइन करूँगी और इसका भी मैंने मार्क कर दिया है बिल्कुल। अब चलिए मैं इसको कट कर देती हूँ। ये देख लीजिए मैंने गले की कटिंग कर दी है, और जो मैंने गले के अंदर से मार्किंग की थी उसको भी मैंने कट कर लिया है। अब इसके मुझे स्टिचिंग करनी है, तो मैंने देखिए ब्लाउज का कपड़ा लिया है। अब इसको बिल्कुल बराबर में कट कर देंगे। ये मेरा देखिए ब्लाउज का कपड़ा, मैंने अस्तर के कपड़े को गले को बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर दी है। अब इसकी मुझे स्टिचिंग करनी है, तो बिल्कुल बराबर करते हम गले की पूरी स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने गले की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है, मेरा गला पूरा स्टिच हो चुका है। अब इस पर मैं पूरा कट्स लगा देती हूँ। अच्छे तरीके से पूरे गले पे कट्स लगा लीजिएगा। तो मैंने पूरे गले पे कट्स लगा दिए। अब इसको हम उलट कर सीधा कर लेते हैं। ये मैंने सीधा कर दिया, एक सिलाई लगा के गले को हम फिर से स्टिच कर लेंगे। तो मैंने गले को देखिए किस तरीके से मैं स्टिच कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। तो मैंने कम्प्लीटली पूरा गला स्टिच कर लिया है। अब ब्लाउज़ की मुझे ऑलराउंड स्टिचिंग करनी है। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने कम्प्लीटली पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग देखिए कर दिया है। अब मुझे इस पर डिज़ाइन करनी है, तो इसको मैं एक साइड कर लेती हूँ। और ये मैंने पट्टी ली है, इसको मैं डबल फोल्ड करके थोड़ी सी चौड़ी वाली पट्टी स्टिच कर देती हूँ। तो ये मैंने पट्टी स्टिच कर दिया है। अब इसको मुझे उलट कर सीधा करना है। अच्छी तरीके से इसको उलट कर सीधा कर देंगे। ये देखिए पट्टी सीधी हो चुकी है। हाथों के साथ थोड़ा इसे प्रेस कर लीजिएगा। अब इसके हम दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे, तो आप भी सेम ऐसे ही सिलाई लगाइएगा जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए, तो मैंने सिलाई एक साइड से लगा दी है। इसी तरीके से बिल्कुल बराबर करते हुए दूसरे साइड से भी सिलाई लगा देंगे। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली पूरा सिलाई लगा दिया है। अब इसको हम 1.5 इंच की लंबाई पर फोल्ड कर लेंगे पूरा। तो मैंने पट्टियों को कम्प्लीटली फोल्ड कर दिया। अब इसको हम कट कर देते हैं। तो मैंने कम्प्लीटली पूरा पट्टी कट कर ली है। अब इसका मुझे लूप्स बनाने हैं। इसको देखिए मैंने ले लिया पेपर है, ये न्यूज़पेपर की तरह बिल्कुल होता है, आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर लीजिएगा। और गले के जो अंदर से मैंने अस्तर कट किया था उसको बिल्कुल बराबर में मैंने रख लिया है। अब गले के साइड में बराबर में कट कीजिएगा, और नीचे के साइड से हम ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मुझे स्टिचिंग में भी डालना है इसको। तब चलिए हम इसके ऊपर के साइड से कट करते हैं। तो इसको साइड करेंगे, ऊपर के साइड से जितना आपको स्टिचिंग के लिए लेना उतना ले लीजिएगा और इसको कट कर दें एक्स्ट्रा।
अब मैंने इसको कटिंग कर दी है। अब इसके ऊपर जो मैंने कच कट किए थे लूप्स वाले, उसको हम बना के स्टिच करेंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ, यहाँ से मुझे जो है स्टिचिंग करनी है। इसको मैं डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखते हुए पूरा स्टिच करूँगी। तो वीडियो में आप देख लीजिए, मैं अच्छे तरीके से पूरा थोड़ा सा बीच में गैपिंग देते हुए इसको स्टिच कर देती हूँ। ये देख लीजिए, मैंने कम्प्लीटली पूरा स्टिच कर दिया है कच को। अब मैंने ये कपड़ा लिया, इसका मैं थोड़ा सा क्रॉस में कटिंग कर देती हूँ पाइपन बनाने के लिए। ये मैंने कटिंग कर दी है, इसको मैं डबल फोल्ड करके पहले स्टिच कर देती हूँ। मैंने डबल फोल्ड करके पूरा स्टिच कर दिया है पट्टी को। अब इसको मैं गले पे, जो मैंने भी डिज़ाइन ये बनाया हुआ, इसके गले पे हम अच्छे तरीके से पूरा स्टिच कर देते हैं। मैंने कम्प्लीटली पूरे गले पे इसके स्टिच कर दिया है। इसको हम बिल्कुल गोल करते हुए पाइपन बनाते हुए एक सिलाई लगा के फिर से स्टिच कर लेंगे। ये मैंने देखिए पूरा स्टिच कर दिया है इसको अच्छे तरीके से पाइपन बना के। अब मुझे इस पे डिज़ाइन करना है, तो इसको साइड करेंगे। और मैंने ये डोरी ली है, मार्केट में आपको मिल जाएगी। इसको 3.5 इंच पे मैं कट कर ली हूँ पूरा। अब इसे हम जो लूप्स बनाए इसके बीचों से बिल्कुल डाल देते हैं। तो पूरे लूप्स में हम इसी तरीके से डोरियों को बिल्कुल बराबर करते हुए डाल देंगे। मैंने कम्प्लीटली पूरा डाल दिया है डोरियों को। अब इसका हम डिज़ाइन करेंगे, तो आप वीडियो में देखिए सेम इसे हम क्रॉस करते हुए एक दूसरे से इसको स्टिच कर देंगे पूरा। इसी तरीके से सेम हम क्रॉस करते एक दूसरे से स्टिच कर देते हैं पूरा डोरी को। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा साइड में दिख रहा है स्टिचिंग के बाद। इसी तरीके से सेम आपको भी बनाना है इसको। ये मैंने कम्प्लीटली पूरा स्टिच कर दिया है डिज़ाइन को, ये देख लीजिए। अब इसको मैं ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करूँगी, तो सेम ऐसे ही आप भी बनाइएगा। अब चलिए मैं ब्लाउज के साथ में अच्छे तरीके से इसको पूरा ज्वाइंट कर देती हूँ। ये मैंने देखिए, अब इसको हम एक सिलाई लगा के पूरे ब्लाउज के साथ डिज़ाइन को अच्छे तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से पूरा डिज़ाइन को स्टिच कर दिया है। अब मैं लेस ली हूँ। अब इस लेस को हम बिल्कुल जहाँ से मैंने लूप्स स्टिच किया था सेम लूप्स के ऊपर से हम और पाइपन के ऊपर से इसको लगा देंगे। साइड में थोड़ी थोड़ी पाइपन हमारी दिखनी चाहिए, इससे हमारा डिज़ाइन खूबसूरत दिखता है। ये देख लीजिए, मैंने अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है पूरा लेस को। दूसरे साइड से भी कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है। अब मैं नीचे के साइड से लेस को स्टिच करूँगी, तो नीचे के साइड से मैं लेस ली हूँ। अब नीचे के साइड से अच्छे तरीके से लेस को स्टिच कर देते हैं। देख लीजिए, मैंने पूरा लेस स्टिच कर दिया है। अब मैं यहाँ से लेस को स्टिच कर लेती हूँ पूरा।
इसी तरीके से दूसरे साइड भी कम्प्लीटली मैंने कर दिया है। अब मुझे डोरी लगानी है बीच में, तो मैंने फ्लावर्स देखे ऑलरेडी डोरी के बना लिए, ऐसे आप भी बना लीजिएगा। यहाँ से ज्वाइंट कर दिया है, तो मेरी डोरी कम्प्लीटली लग चुकी है। इसको हम अच्छे तरीके से बांध लेते हैं डोरियों को, देख लीजिए मैंने डोरी को अच्छे तरीके से बिल्कुल बांध लिया है। अब नीचे के साइड जो डिज़ाइन मैंने पेपर लगाया, इसको हम निकाल के पूरा रिमूव कर देते हैं पेपर को। आप न्यूज़पेपर यूज़ कर लीजिएगा इसकी जगह, आपका भी सेम ऐसे ही आएगा। ये मेरी डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल कितनी मेरी डिज़ाइन ब्यूटीफुल दिख रही है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट डिज़ाइन ब्लाउज देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपने अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।